बिल पास करने की एवज में तो वो मांगते हैं कमीशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उसमें चाहिए उनको रिश्वत। और जो निखिल गर्ग SDO है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जबकि 2.5 साल से उसके खिलाफ कंप्लेंट खड़ी है CM इंडो में, उसकी प्रमोशन करके उसको सैलरी डबल कर दी गई है। पहले 7% कमीशन लेता था जी, मेरे को परेशान करके भाई मैं आपकी लेबर का लॉस कर दूंगा, आपकी फर्म का लॉस कर दूंगा, है जी एक्शन लेता है SDO जी। इनकी जो जगह है वो HVPN में ना होकर जेल की सलाखों के पीछे है। पूरे तथ्य मेरे पास है, प्रूव्ड है। 6-7 लाख रुपए के तो बिल है, जो मैंने साइट पे काम किया था, जो उन्होंने मेरे बिल काट दिए, जो उन्होंने मेरी डिडक्शन कर दी, वो वेरीफाइड है। अगर वो बिल नहीं कटे हुए हैं तो मेरे को आप जो मर्जी पनिशमेंट दे देना। नाम जितेंद्र मोहन है, मैं HVPN में कॉन्ट्रैक्टर हूँ, डांड का निवासी हूँ, श्री सालासर बालाजी LNC सोसाइटी लिमिटेड डांड का मैं प्रोपराइटर हूँ। करप्शन मैटर पे मैंने मीटिंग बुलाई है, ये 10 जुलाई को 2022 को डांड रोड पे भी रसोई श्याम रसोई में मीटिंग हुई थी करप्शन मैटर पे। 3 मुद्दे थे मेरे, एक था जैसे मैं लेबर प्रोवाइड करवाता हूँ HVPN के अंदर, मेरे 3 मुद्दे थे। एक मुद्दा था मेरा बिजली काटना, जैसे हम लेबर प्रोवाइड करवाते हैं तो डिपार्टमेंट जो है हमारे को बिजली देता है, लेकिन निखिल गर्ग SDO ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर मेरी बिजली काट दी। दूसरा मुद्दा था मेरा बिल काटना, जब काम कर लेता है कोई कॉन्ट्रैक्टर फिर उसके वो बिल काटता है। और तीसरा मुद्दा ये है, जब मैं कंप्लेंट करता हूँ तो फिर फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की जाती है, यानी कि झूठी रिपोर्ट बना के मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। तो 10 जुलाई को जब मैंने करप्शन मैटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप सब साथियों ने वो मीडिया की सुर्खियां बना, उसके बाद जो हमारा जो डिपार्टमेंट था उसने हरकत में आया और उसके बाद फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई, और जो मैंने एलिगेशन 10 जुलाई को लगाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सत्य साबित हुए, और उसमें 5 अधिकारी जिसके मैंने नाम लिए थे वो 5 अधिकारी जो हैं करप्शन मैटर में दोषी पाए गए हैं 16 दिसंबर 2022 को। और प्रेस नोट और इसकी कॉपी मैंने सभी साथियों को उपलब्ध करवा दी है, जो साथी के पास नहीं होगी उसको भी हम उपलब्ध करवा दें। लेकिन 16 दिसंबर को ये डिसीजन आने के बावजूद आज तक इन अधिकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं थी। और जो ये दोषी अधिकारी पाए गए हैं, ये 2.5 साल पुराने मैटर है, जिसमें ये 16 दिसंबर को दोषी पाए गए हैं मिस्टर राजेश गोयल, जो उस टाइम का चीफ था, 2020 का मैटर है, इसने फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करके इस मैटर को रफा दफा कर दिया था, और अब इसमें खुद में दोषी पाया गया है, और ये खुद पहले रेड हैंडेड भी हो चुका है और इसकी प्रमोशन भी हो चुकी है, ये चीफ होते हुए रिटायर हो चुका है, लेकिन आज ये जो है डायरेक्टर बना बैठा है। तो ऐसे अधिकारियों को जो है प्रमोट किया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इनकी जो जगह है निखिल गर्ग SDO और धर्मेंद्र जी और यशपाल निरंजन SC जो रिटायर्ड हैं और राजेश गोयल, इनकी जगह HVPN में नहीं है, इनकी जगह अब जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन डिपार्टमेंट इनको प्रमोट करता जा रहा है। एक तो मेरी ये थी ग्रीवेंसेस, दूसरा ये थी जिसमें ये दोषी करार दिए गए हैं, जब इसकी विजिलेंस इंक्वायरी हुई तो उसमें रोशनलाल कंबोज जो उस टाइम का एक्शन था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और श्याम सुंदर इंस्पेक्टर, इन्होंने भी फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें ये दोषी पाए गए हैं, इसमें इन्होंने क्लीन चिट दी थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी तथ्यों के आधार पर ये दोषी करार दिए गए हैं तो इनकी जगह जो है जेल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि करप्शन मैटर प्रूव हो चुका है और जिन्होंने इसमें फॉल्स इन्वेस्टिगेशन की थी। दूसरा मैटर मेरा था बिल काटना, निखिल गर्ग SDO ने अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर जैसा मेरा बिजली काटी थी जिसमें वो दोषी करार दिया गया है, वो मास्टरमाइंड था, वो मास्टरमाइंड इसमें बताया गया है रिपोर्ट के अंदर, जिसने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जेई SDO को साथ SDO खुद निखिल गर्ग है, जेई ने धर्मेंद्र जेई ने एक्शन के साथ मिलकर जो है करप्शन प्रैक्टिस को अंजाम दिया है, और SC और चीफ सब जानते हुए भी उसके साथ इसमें सहयोग करते रहे। दूसरा जो मेरा इशू था वो था बिल काटना, जब मैंने बत्ता में काम किया तो उस अधिकारी ने जो मैंने काम किया था मौके पे साइट पे उसमें मेरी 3,37,000 रुपये की पेमेंट काट दी 2020 के अंदर। बिल काटने में एक SDO धर्मेंद्र था, निखिल गर्ग SDO था और धर्मेंद्र जय और आकाशदीप एक्शन उस टाइम का। तो मैं इतने गुहार लगा चुका हूँ कि मेरी आज तक ना तो पेमेंट मिली और ना इनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ। दूसरा उसके बाद फिर मैंने चीका में काम किया, तो चीका में निखिल गर्ग ने प्रेमचंद जी और एक्शन परमवीर
उसके बाद एक्शन चेंज हो गया था, तो एक्शन परमवीर के साथ मिलकर फिर मेरे बिल काट दिए। उसके बाद फिर मैंने कोड़ काम किया, तो कोड़ निखिल गर्ग ने प्रेमचंद जी और एक्शन परमवीर जो इस टाइम के हमारे एक्शन हैं कैथल के अंदर, उनके साथ मिलकर फिर मेरे बिल काट दिए। और उसके बाद फिर मैंने कोड़ काम किया, तो बलदेव एसडीओ के साथ मिलकर एक्शन परमवीर ने मेरे फिर बिल काट दिए। ये बिल काटने का जो रिकॉर्ड है ये मेरे पास भी है और हमारे दफ्तर के अंदर मौजूद है। जब मैं बिजली और बिल की मैंने कंप्लेंट डाली 2020 में डाली, भाई मेरे बिल काटे जा रहे हैं और मेरी जो है बिजली काटी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैटर जो है 2020 का है। उस टाइम सुखदेव एसएससी पुंडरी और मनदीप एसएससी चीका और आकाशदीप एक्शन, इन तीनों अधिकारियों ने मिलकर फॉल्स रिपोर्ट दे दी, भाई जो कॉन्ट्रैक्टर है इसके जो एलिगेशन हैं वो बेसलेस हैं, ये झूठ बोल रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि मैं सच्चा हूँ और वो झूठे हैं और वो करप्शन प्रैक्टिस को अंजाम दे रहे हैं। तो ये अधिकारी जो सुखदेव एसएससी है, मनदीप है, आकाशदीप एक्शन है, जिन्होंने फॉल्स रिपोर्ट दी थी बिजली वाले मामले में, बिल वाले मामले में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद मैंने सुखदेव एसएससी, मनदीप और आकाशदीप जिन्होंने फॉल्स रिपोर्ट तैयार की थी उनकी कंप्लेंट डाली सीएम इंडो पे। उसकी इन्वेस्टिगेशन की परमवीर एक्शन ने, वीरेंद्र एक्शन ने, सुनील एसएससी ने और राजेश गोड ने, उन्होंने भी फॉल्स इन्वेस्टिगेशन करी है। ये मेरे पास तथ्य हैं, सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। मेरी लाखों रुपए का निखिल अग्रवाल एसडीओ ने बिजली काट के, बिल काट के मेरा नुकसान कर दिया, मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। और वो अधिकारी सीएम इंडो की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं फॉल्स इन्वेस्टिगेशन कर करके। उसके बाद फिर मैंने सीएम इंडो फिर लगाई सातवें महीने में पिछले साल। परमवीर एक्शन ने उसको 4-5 महीने अपने पास रखा, जबकि सीएम इंडो का जो समय होता है वो 30 दिन का होता है। तो उसने 5 महीने अपने पास रख के उसको जो है फिर डिस्पोज ऑफ कर दिया। और जब मैंने उसको कहा भी सर आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, इसकी क्या वजह है, तो अब वो कहता है अभी मैंने इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जबकि ये डिस्पोज ऑफ का मेरे पास ये रीज़न रहा, ये कंप्लेंटरी जिसमें उसने ये लिखता है भी मेरा जो ऑफिस है इस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करने की फेवर में है, ये लिख रखा है। और जबकि बत्ता में मेरे वो मानता है भी 3,37,000 रुपये कटे हुए हैं, क्योंकि वही सीएम इंडोवाज फिर यहीं खड़ी है। जब मेरे पैसे कटे हुए हैं फिर उस डिस्पोज ऑफ कैसे कर सकता है, तो 420 बनती है उस परमवीर जी के खिलाफ। परमवीर जी को मैं नंबर भी देऊंगा, मैंने उनको कहा भी था। तो उनकी जगह अब यहाँ पर नहीं है, उनकी जगह जो है जेल की सलाखों के पीछे है, 420 में अंदर जाता है, क्योंकि करप्शन मैटर में वो बार बार इसको दबा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और MD साहब को जो है वो गुमराह कर रहा है। उसके बाद जो इस टाइम जो सीएम इंडो खड़ी है मेरी परमवीर जी के पास, वही कमेटी है उसके अंदर वीरेंद्र जी हैं एक्शन प्रो सेक्टर वाले, वो बार बार मेरे को बुलाते हैं। ये 2.5 साल पुराना मैटर है बिजली काटने का, बिल काटने का, मेरे लाखों रुपए का जो है लॉस हो चुका है और मेरी बार बार हरासमेंट करवाते हैं और ऑफिशियली और अनऑफिशियली सैकड़ों बार मेरे को बुला चुके हैं, जबकि मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं है। जो बिल कटे हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर वो रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर है, लेकिन जानबूझकर वो मेरे को बुलाते हैं, हरासमेंट करते हैं और निखिल गर्ग के साथ मिले हुए हैं। अगर वो कहते हैं अगर आपने जो बिल पास करने की एवज में, तो वो मांगते हैं कमीशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फेयर अगर इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो उसमें चाहिए उनको रिश्वत। ये सारे तथ्य मेरे पास मौजूद हैं। और जो निखिल गर्ग SDO है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, जबकि 2.5 साल से उसके खिलाफ कंप्लेंट खड़ी है सीएम इंडो में, उसकी प्रमोशन करके उसको सैलरी डबल कर दी गई है। करप्शन मैटर में उसका नाम है, सभी एक कॉपी सभी साथियों को दे दी है, ये देखो। उसके बाद उसकी सैलरी डबल कर दी गई है, जबकि जाना चाहिए जेल की सलाखों के पीछे वो डबल सैलरी का एंजॉय ले रहा है। और जो हमारे राजेश गोयल जी हैं वो डायरेक्टर बने बैठे हैं, जो कि पहले भी रेडेंडेंट हो चुके हैं। और उसके बाद यशपाल नरेंद्र जी हैं, वो लाखों रुपए की जो पेंशन ले रहे हैं घर बैठे। तो मेरा यही मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, ये गृह मंत्री जी से निवेदन है, ये MD साहब से मेरा निवेदन है, भी जिन अधिकारियों ने मेरी बिजली काटी, मेरे बिल काटे और जिन्होंने फॉल्स इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई, जिसका मैंने प्रेस नोट आपको दे दिया, और जो दोषी करार दिए गए हैं उनको भी मैंने आपको जो है डॉक्यूमेंट सभी को प्रोवाइड करवा दिया। तो मेरी सभी से ये निवेदन है कि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए, इनके जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, 420 में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए।
420 के मेरे पास प्रूफ हैं, और जो निखिल गर्ग है वो बार बार अपने डिफेंड में, जब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होती है, अपने डिफेंड में वो गलत तथ्य पेश करता है, वो डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं और फॉल्स इन्वेस्टिगेशन के प्रूफ भी मेरे पास हैं। तो मेरा सभी से, सभी जो छायाकार पत्रकार जो साथी हैं, आपने जो मेरे को प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जो यहाँ पर आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे MD साहब को, भाई अब इनकी जो जगह है वो HVPN में ना होकर जेल की सलाखों के पीछे है। पूरे तथ्य मेरे पास हैं, प्रूव्ड हैं सारे तथ्य। तो और मैं CID वालों का भी उस दिन टेलीफोन आया था, तो मैं ये कहता हूँ कि CID वाले भी अपनी प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचाएँ, ताकि इन अधिकारियों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई हो, और जो CM इंडो की जो विश्वसनीयता है वो बनी रहे, उसकी पारदर्शिता बनी रहे। परमवीर जी जैसे अधिकारी, जो ये अपने जो सपोर्टिंग अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, आकाशदीप जी, ये जो है, ये क्या नाम है इसका, राजेश गोयल जी, यशपाल निरंजन जी, जो इन्होंने CM इंडो की धज्जियाँ उड़ाई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी उनको तुरंत प्रभाव की से आप जो है, खिलाफ आपने कहां कंप्लेंट दी है? मैंने कंप्लेंट सारी जगह दे चुका हूं जी, मैं स्टेट विजिलेंस में भी दे चुका हूं, मैं हमारी जो बिजली बोर्ड की विजिलेंस है वहां भी दे चुका हूं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कर चुका हूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कर चुका हूं। ये सर 2.5 साल से चली हुई है लगातार, प्रधानमंत्री जी को मैंने 2 जनवरी को किया है जी, कोई जवाब नहीं आया, नहीं कोई जवाब नहीं आया। और जो ये है अपना परमवीर जी, इनकी जो कंप्लेंट है माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने जो है अभी की थी जी, एक मिनट ये देखो, नहीं जो CM इंडो में दोषी पाए गए हैं उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, इसलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। विभाग में जो आपने लाइसेंस दिया हुआ है उस पर भी संशय बने हुए हैं, उसकी कोई तारीख नहीं है, कहां से इशू हुआ है उस पर भी संशय बने हुए हैं, PHT का नहीं है। कौन सा लाइसेंस जी? जो जिस फर्म पे आप काम करें, जिस लाइसेंस पे, हाँ अंडरटेकिंग पे काम करते हैं, जिस पैटर्न पे मैं काम कर रहा हूँ उसी पैटर्न पे और भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही काम कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं काम कर रहा, उसी पैटर्न पे और भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ही कर रहे हैं। रूल एंड रेगुलेशन तो सभी के लिए बराबर है ना सर। और जो ये CM इंडो थी, हाँ जी सर, लेकिन इसमें जो बीच का मामला बता रहे हैं, बीच के अंदर आपने इसमें एक बात लिखी है षड्यंत्र के तहत, क्या पहले भी कोई डिस्प्यूट रहा है या फिर षड्यंत्र उसी टाइम पे वजह से? ये ऐसा था जी, 2020 से स्टार्ट हुआ था, जब इसको मैंने जो ये निखिल गर्ग ने ज्यादा डिमांड की मेरे पास कमीशन की, जब मैं देने में असमर्थ हो गया तो इसने फिर और अधिकारियों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके मेरे को परेशान करना शुरू कर दिया, और उसी टाइम से ही कंप्लेंट चली है 2020 से। उससे पहले भी कोई डिस्प्यूट रहा है? उससे पहले तो मेरा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। कितना कमीशन देते थे आप पहले? पहले 7% कमीशन लेता था जी, मेरे को परेशान करके, भाई मैं आपकी लेबर का लॉस कर दूंगा, आपके फर्म का लॉस कर दूंगा, है जी, एक्शन लेता है SDO जी, उनका 5% JE को भी दो, निखिल गर्ग SDO ले रखे जी पहले, उसने खाते में थोड़ी लेंगे जी, नकद लेते थे जी, और लेबर को भी सैलरी दे देता जैसे हमारे अकाउंट में, 7% कमीशन देता, हाँ जी, जैसे हमारे सोसाइटी के अकाउंट में पैसे आते थे ना, आने नहीं देते जी, इनको पता लग जाता है ना भी RTGS हुई है, पहले कभी पहला हमारा हिसाब करो, कमीशन देना पड़ता है, 5 लाख तक का काम करने के लिए है, आप 20 लाख तक के काम किस तरह कर लेते हो सर? सर आपकी जो फर्म है, आपका जो लाइसेंस है, जांच में पाया गया भाई आप 5 लाख तक के कर सकते हो, लेकिन काम आप 20 लाख तक के कर, ऐसा है सर, जो इन्वेस्टमेंट होती है 5 लाख की या 10 लाख की या 20 लाख की, ये होती है हैंड कोटेशन पे काम करने के लिए, कोई इमरजेंसी काम होता है डिपार्टमेंट के अंदर तो 3 कॉन्ट्रैक्टर को बुला के उनको कोटेशन लेके मैनुअली और उसको कर देते हैं। और जो ऑनलाइन टेंडर होता है, ये ओपन टेंडर होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट या लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। जांच में संजीव महाला XCM जो है वो भी दोषी पाए जाते हैं, कहा जाता है कि इन्होंने गलत टेंडर दिया। नहीं, जैसे आप 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहे हो तो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे तो और कॉन्ट्रैक्टर भी काम कर रहे हैं, क्षेत्र में भी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे काम हुआ, वहां तो एक्शन दूसरा है। एक्शन संजीव महला आपके काम को किस तरह अप्रूवल दे दे, आपका क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, वो डिपार्टमेंट में एक्शन था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था। उनको भी दोषी पाया गया। कैसे? जो जांच हुई थी, हाँ जी, तो आपके काम को 5 लाख तक की आपकी फर्म कर सकती है, 20 लाख तक के किस तरह की जांच हुई तो उसमें वो दोषी पाए गए, आप लोगों को भी। नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो ना, उस इन्वेस्टमेंट पे और कॉन्ट्रैक्टर भी दूसरे डिविजनों में भी काम कर रहे हैं। तो क्या वो सेटिंग से हो रहा है? नहीं, सेटिंग क्यों है जी, मैंने आपको बताया तो है, जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हैंड कोटेशन के काम के लिए होती है, अभी कोई इमरजेंसी काम आएगा डिपार्टमेंट के अंदर, वो ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया या कोई दिक्कत आ गई, वे 3 कोटेशन लेके ताकि उस काम को इमीडिएटली हम कर सकें।
बिजली की हम सप्लाई दे सकें, तो इनलिस्टमेंट होती है उसके लिए। बाकी तो ओपन टेंडर होता है, ओपन टेंडर के लिए इनलिस्टमेंट की जरूरत ही नहीं होती, आप जितना मर्जी अमाउंट का टेंडर डालिए। आपने बाता वाले मामले की बात की, हाँ जी, वहाँ आपने जांच में जो बिल दिए गए हैं पेट्रोल पंप से डीजल के बिल दिए, आपने कहा जनरेटर लगाकर मैंने काम किया, हाँ जी, तो बिल फर्जी पाए गए, सचो जींद की जो जांच थी उसमें बिल फर्जी पाए गए। फर्जी का तो ऐसा है सर, जैसे उन्होंने मेरी बिजली सप्लाई काटी, मैंने जनरेटर चलाया, तो जनरेटर ये प्रूव हो गया भाई काम जो है जनरेटर से हुआ है। ये देखो जो डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है इसमें यह है भी काम जो है कॉन्ट्रैक्टर के बिजली सप्लाई देना डिपार्टमेंट के स्कोप में था, ये डिपार्टमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा सर, वर्क ऑर्डर में था, हाँ वर्क ऑर्डर में था। और जो ये फाइंडिंग रिपोर्ट आई है ना, जो जांच से रिपोर्ट आई है जिसमें ये दोषी पाए गए हैं, उसमें ये लिखा गया है कि बिजली सप्लाई देना डिपार्टमेंट के स्कोप में था, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्टर को जानबूझकर बिजली सप्लाई नहीं दी गई और इसको काम जनरेटर से करना पड़ा। मेरा सवाल ये था, जब आपकी इस बात के तथ्य को देखा गया तो एसएचओ जींद ने जो जांच की और जो आपने डीजल के बिल उनको प्रोवाइड करवाए उनको फर्जी पाया गया उनकी जांच में। नहीं, फिर एक बात बताइए आप सर, जब ये अभी जनरेटर चला है फिर जनरेटर बगैर डीजल के कैसे चल गया? ये जो एसडीओ निखिल गर्ग है 7% कमीशन लेता था, किस किस के नाम से लेता? ये कहता है ऊपर मेरे को देने पड़ते हैं, किस किस को? उसको एससी को देने पड़ते हैं, चीफ को देने पड़ते हैं। सर का टोटल कितने आपके पैसे रुके हुए हैं इसमें? हाँ इसमें सर ऐसा है, मेरे 6-7 लाख रुपए के तो बिल है जो मैंने साइट पे काम किया था, जो उन्होंने मेरे बिल काट दिए, जो उन्होंने मेरी डिडक्शन कर दी वो वेरीफाइड है। अगर वो बिल नहीं कटे हुए हैं तो मेरे को आप जो मर्जी पनिशमेंट दे देना। जितेंद्र सिंह, ये मामला ये तो नहीं आपने कमीशन देना बंद किया और आपके बिल काट दिए उन्होंने? हाँ जी, आपने ज्यादा कमीशन के दिमाग सही चला जब आपने कमीशन देना बंद किया। वो तो कह रहे 10% दो मेरे को, तो मेरे को तो ऊपर खर्चे हैं। मांग रहे हैं आप, 10 मांग रहे हैं ना? हाँ 10 मांग रहे थे जी 2020 में। नहीं शुरू में तो 2-4 पहले 5-7-10 बिल करे जी मैंने, 7% लेता था जी मेरे से। वो नहीं कहता था भाई मैं तेरी लेबर को लॉस कर दूंगा, तेरी फर्म का लॉस कर दूंगा, आपकी टाइम पे पेमेंट नहीं करूंगा, आपके बिल काट लूंगा। तो मेरे ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनाया उसने, उसके बाद फिर उसकी डिमांडें बढ़ती शुरू हो गई। वो बोला भाई उच्च अधिकारियों को भी हमें देना पड़ता है, तो मैं असमर्थ हो गया। तो असमर्थ होने के बाद फिर उसने ये जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम स्टार्ट कर दिया। आपका जो बिल था कितने का पास हुआ, कितने का था टोटल, कितने अमाउंट का बिल था और कौन से काम का बिल था? हाँ सर ये है इसमें, हाँ ये सर एक बिल काटा गया मेरा बत्ता में 3,37,098 रुपए का, ये रहा। हाँ जी कितने परसेंट कमीशन पे कटा था ये? कितने टोटल बिल? इसमें तो कमीशन दिए नहीं जी मैंने उसको। टोटल बिल कितना था ये जिसमें से कटा? ये 11 लाख समथिंग का था। ये बिना बिल बिना कमीशन कैसे कट गया? जो कमीशन नहीं थे तभी तो बिल काटा सर उसने, तभी तो मेरी बिजली काटी है, पेमेंट नहीं करी। हाँ उसके बाद उसने मेरा बिल काटा चीका के अंदर 80,051 रुपए। टोटल बिल कितना था? ये लगभग 2.5 लाख ये था जी, 2,89,000 रुपए का था सर, 473 रुपए का जी। बत्ते वाला था जी 8,21,385 रुपए का, जिसमें से 3,37 काटे हैं जिसने मेरे। अपने अभी तो 11 बताया नहीं, इसमें ये देखो वेरीफाइड, वेरीफाइड इतने किया ना बिल तो 11 लाख का था जी। 8 लाख बिल इसने जो वेरीफाई किया ना जी, बिल तो 11 लाख रुपए का था। ये दे आया देखो 11,58,000 रुपए, बत्ते वाला बिल था मेरा 11,58,000 रुपए का और इसने वेरीफाई किया 8,21,385 रुपए, और चीके वाला बिल था मेरा 3,69,524 रुपए का, जो इसने पास किया 2,89,473 रुपए, और एक कोल का बिल था मेरा वो इसने जो था मेरा बिल था 3,75,582 रुपए का, इसने पास किया 1,89,839 रुपए, और एक मेरा बिल था बलदेव एस जी ने काटा फिर बाद में 25,000 रुपए का, परमवीर एक्शन के साथ मिल गया। यानी कि इन अधिकारियों के इतने हौसले बुलंद हैं अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बिजली विभाग के करीब 10 कर्मचारियों अधिकारियों ने आपके खिलाफ एसपी ऑफिस में शिकायत दी हुई है, भाई हमें धमकाते हैं, हमें फंसाने की धमकी देते हैं। और एक मामला पुंडरी में भी था जहां आपने मौके में बोली। नहीं फंसने वाला तो मामला ही नहीं है जी, मेरे पास तो तथ्य है, मैं तो तथ्यों के ये एक बात बताओ जो ये है, ये दोषी पाए गए हैं अधिकारी, ये मैं घर से थोड़ी बना के ले आया सर, ये दोषी पाए गए हैं करप्शन मैटर में, दोषी पाए गए हैं। मैंने बिजली का एलिगेशन लगा दिया मेरी बिजली काटी है जो इन्होंने नहीं दी, ये दोषी पाए गए हैं। ऐसे ही ये बिल काटे गए हैं, ये बिल का प्रूफ रहा मेरे पास, ये बिल काटे गए हैं।
अगर बिल नहीं काटे गए हो तो आप मैं तो 2.5 साल सीसी काम पे खड़े हो नसीब जी, 2.5 साल हो गए, 2020 का मैटर है जी ये। सीएम इंडो लगाता हूँ उसको रफा दफा कर देते हैं, विजिलेंस वाले रफा दफा कर देते हैं। बिलों की मेरी जो अमाउंट है सर वो 6 लाख के आसपास है सर, और 1.5 लाख रुपए मेरे उस जनरेटर के हैं जो मेरे से जनरेटर चलवाया गया, जबकि बिजली डिपार्टमेंट ने देनी थी 1.5 लाख।